Hello everyone, I am Soikal Chatterjee and once again welcome to our channel BTN Academy. हम लोगों ने last episode में देखा था कि contact form 7 को कैसे utilize किया जा सकता है और इस episode में हम लोग देखेंगे कि contact page का other elements address, phone number, ईमेल आईडी, गूगल मैप, ये सारा कैसे प्लेस किया जा सकता है प्रॉपरली और उसको कैसे लिंक किया जा सकता है। कंप्यूटर स्क्रीन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियोस जो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। यह हमारा साइट है और यह इसका डैशबोर्ड है। चलिए कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं। ये पेजेस, ऑल पेजेस, यह हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। पहले एक बार व्यू करके देख लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ये राइट साइड में ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये हमने लास्ट एपिसोड में किया था। आज हम लोग करेंगे इस लेफ्ट साइड में बाकी सारा डिटेल। तो इसको हम लोग एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट कॉलम है। यहां पे हम लोग एक नया विजेट इस्तेमाल करेंगे जो कि है आइकॉन लिस्ट। तो यहां पे हम लोग सर्च करते हैं आइकॉन, आइकॉन लिस्ट। यह आ गया आइकॉन लिस्ट, लिस्ट आइटम 1, 2, 3। तो लिस्ट आइटम में पहला होगा एड्रेस। यहां पे हम लोग लिख देते हैं हमारा जो एड्रेस है, हमारा एड्रेस जो है वो लिख के देंगे। अभी यहां पे जो आइकॉन्स है, आइकॉन्स में क्या आइकॉन एड्रेस के लिए सूटेबल रहेगा, तो आइकॉन लाइब्रेरी में चलते हैं और यहां पे सर्च करते हैं मैप। जैसे गूगल में किसी जगह को पॉइंट करता है इस मैप से, तो ये इंसर्ट कर लिया। तो देखिए यहां पे मैप आ गया। नाउ जो सेकेंड आइटम है वो है फोन नंबर। फोन नंबर यहां पे डाल देते हैं। और इसका जो सूटेबल आइकॉन होगा ये हम आइकॉन लाइब्रेरी से लेंगे। तो यहां पे तीन आइकॉन्स है, कोई भी हम ले सकते हैं, इसको हमने इंसर्ट कर दिया। देखिए ये बाएं तरफ जो है ये फोन नंबर आ गया है। और नेक्स्ट है ईमेल आईडी। अच्छा एक चीज, इस फोन नंबर को प्रॉपरली लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे टेल कोलोन प्लस 91 कंट्री कोड देन ये फोन नंबर।
तो ये फोन नंबर लिंक हो गया। कोई भी अगर मोबाइल से इस साइट को देखेगा और फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कॉल में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी। यह हमारा ईमेल आईडी है, अभी इसको भी लिंक करना है, तो इसको हम लिखेंगे मेल टू, उसके बाद एक कोलन, उसके बाद ईमेल एड्रेस। अभी इसका थोड़ा स्टाइलिंग हम लोग देखेंगे, चलते हैं स्टाइल पे। ये जो वैल्यूज है इसको हम बीच में थोड़ा स्पेस डालेंगे, अलाइनमेंट लेफ्ट ही रहने दो, डिवाइडर अगर चाहिए तो डिवाइडर डाल सकते हो, मेरे हिसाब से डिवाइडर ना रहना ही ठीक है। आइकॉन को, आइकॉन साइज को हम लोग थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, और गैप, बीच में जो गैप है आइकॉन और कंटेंट का बीच में जो गैप है, उस गैप को हम लोग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइन को सेंटर में डाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट का टाइपोग्राफी हमको थोड़ा चेंज करना है, ये टाइम्स न्यू रोमन किया, साइज को हमने 26 करना है, तो हमने 26 डाला ताकि ये प्रोमिनेंटली विजिबल हो, और वेट भी थोड़ा इसका ज्यादा करना है, 600 किया, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा दिख रहा है। देखिए ये दो लाइन में आने से आइकॉन जो है वो सेंटर और मिडिल में अलाइन हो गया है। एक चीज बाकी रह गया था जो कि हमारा ईमेल का आइकॉन हमने प्रॉपरली चूज नहीं किया था, तो आइकॉन लाइब्रेरी में आते हैं। मेल के लिए एनवेलप रहता है, ये एनवेलप, ये ओपन या क्लोज, कोई भी एनवेलप आप ले सकते हो, तो ये मेल एनवेलप हो गया है। अब इसको अपडेट करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये वाला पेज में ये आ गया है। अभी ये जो फोन नंबर है, फोन नंबर नीचे देखिए, ये ऑलरेडी लिंक हो चुका है हमारा फोन नंबर के साथ, और ईमेल आईडी भी लिंक हो चुका है मेरा ईमेल आईडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गूगल मैप। ये हम और एक सेक्शन लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी इसके नीचे हम लोग और एक सेक्शन लेंगे, फुल विड्थ सेक्शन लेंगे। ये फुल विड्थ सेक्शन लिया और ये थ्री डॉट्स में जाके हमने क्या करेंगे, गूगल मैप सर्च करेंगे और गूगल मैप को यहां पे हम लोग लाएंगे। ये सारे चीज एलिमेंटर में इतना इजीली किया जा सकता है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जस्ट
a matter of few minutes to build a page. अभी यहां पे क्या करेंगे, लोकेशन को, यहां पे हम अपना लोकेशन को डालेंगे. ये देखिए यहां पे दिखा रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा जूम करके दिखाना है, तो इसलिए हम लोग ये जूम पॉइंटर को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये प्रॉपरली जो प्लेस है उसको दिखाएगा. हाइट इसका हम बड़ा छोटा यहां से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये हाइट ठीक है, तो इसको भी अपडेट करते हैं. पेज में जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं. देखिए नीचे हमारा गूगल मैप आ गया है. अभी ये मैप को हम जूम इन जूम आउट, ये एक्चुअल मैप है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. तो ये था हमारा कॉन्टैक्ट पेज का अदर पार्ट. वर्डप्रेस का बहुत सारा टिप्स ट्रिक्स हैक्स लेके आने वाला है, ये प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स फैमिली कॉलिग्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसी को काम आ जाए. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हाउ टू एड ए फैब आइकॉन ऑन ए वेबसाइट. अगर ये वीडियो आपको किसी तरह से हेल्प किया है तो प्लीज पुट ए लाइक, आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.